नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की हर हलचल को समेटकर हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले शो के साथ आए हैं, जिसमें आज बात होगी राम भरोसे काम भरोसे। यूपी के चुनाव में नतीजे राम के भरोसे से आएंगे या काम के भरोसे, या फिर दोनों भरोसा जनता का मत दिलाएगा। दिवाली के हफ्ते में अयोध्या के रिकॉर्ड दीपोत्सव ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अयोध्या की दिवाली के जरिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बीजेपी 31 साल पुराना इतिहास याद दिलाकर ही यूपी में इतिहास रचना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यह पहला चुनाव होगा जब राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है, और तभी अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लेकर राजनीतिक तीरों के निशाने पर आए। अब योगी आदित्यनाथ 31 बरस पहले राम भक्तों पर गोली चलाने के भावनात्मक मुद्दे की याद भी अयोध्या से दिला चुके हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं, क्या यूपी में हुई है वही जो राम राजनीति राखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लड़ाई में राजनीति का ध्रुव बनी अयोध्या गवाह बन रही है। चुनाव राम भरोसे या काम भरोसे, राम भरोसे या काम भरोसे, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक लंबी कहानी है यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं आज इस अयोध्या में। अब हर कोई लपक रहा है, अब सभी को लग रहा है कि यहीं से राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। योगी जी, एक काम करो, मंदिर का अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आप भी तो राम के शरण में ही हैं। अयोध्या, जिसका अर्थ माना गया जिससे न युद्ध लड़ा जा सके, न ही जिसे जीता जा सके। दिवाली पर वही जगमगाती अयोध्या और अयोध्या के श्री राम अभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक युद्ध के केंद्र में हैं। गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं, और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। क्या सत्ता हासिल करने की आकांक्षा की धुरी अयोध्या और अयोध्या के राम ही रहेंगे? इस बात को समझने के लिए कहानी 31 साल पहले से शुरू होती है, जब 1990 में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई थी 30 अक्टूबर। तभी लालकृष्ण आडवाणी सितंबर में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करते हैं। अयोध्या में 1990 के उस दौर में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों पर हुए तब के गोलीकांड को यूपी के मुख्यमंत्री चुनावी माहौल में 31 साल बाद भी याद कराते हैं। इसी अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था। हम तब भी अयोध्या की घटना के साक्षी थे, हम तब भी अयोध्या आते थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन की हर एक घटना में अयोध्या आए हैं, गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं, और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए क्या 31 बरस पहले राम भक्तों पर गोली चलाने के भावनात्मक मुद्दे का इतिहास दिलाकर ही योगी आदित्यनाथ इतिहास राजनीति में अब रचना चाहते हैं? राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बरबर लाठी चार्ज हो रहा था, तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर,
आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अगली कार सेवा तो क्या राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी की तरफ इशारा है उत्तर प्रदेश में, और निशाना बिना नाम लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार पर। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है, राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। याद से नहीं, त्रेता युग से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राम की शरण में गया उसका उद्धार हुआ है, वो दुनिया के लिए हीरो बना है, और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। राम अयोध्या और राजनीति का रिश्ता उत्तर प्रदेश में कितना गहरा है, इसे समझने के लिए लोकनीति CSDS के एक सीरीज के सर्वे को हमने पढ़ा, जो बताता है कि अयोध्या में 1992 की घटना के ठीक 4 साल बाद सर्वे में 56% हिंदू नागरिक उसी जगह पर मंदिर चाहते थे, जबकि अयोध्या में 98% मुस्लिम उसी तत्कालीन विवादित जगह पर मस्जिद बने ऐसी राय रखते थे। 16 साल बाद 2012 में सर्वे हुआ तो भारी गिरावट के साथ 31% हिंदू नागरिक और 31% ही मुस्लिम नागरिक भी अपनी अपनी राय में उसी जगह पर मंदिर या मस्जिद की ही वकालत करते मिले। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आते गए। इसी के साथ ये भी सर्वे में नजर आया कि जहाँ 49% हिंदू नागरिक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने ऐसी बात कहने लगे, उनके मुकाबले सिर्फ 26% मुस्लिम ही मस्जिद की बात अयोध्या में कहते पाए गए। ये सर्वे बताता है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बहुसंख्यक आबादी के बीच प्रतिबद्धता बढ़ती गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। अब अयोध्या और राम का जिक्र चुनाव में आता है तो एक तीर से कई निशाने लगते हैं। बड़ी आबादी बहुसंख्यक हिंदू है, बहुसंख्यक वोट ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, विपक्ष की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति की याद दिला दी जाती है, विपक्ष की अल्पसंख्यक छोड़ मंदिर दर्शन राजनीति को बीजेपी अपनी जीत बताती है। सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, और ये हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारे भी है। तो हमने कहा, कब हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है, हम तो पहले से इस बात को कहते थे, तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफी मांगो देश से। बीजेपी 2014 के बाद बदली राजनीति के दौर में किसी भी तरह से बहुसंख्यक वोट पर विपक्ष की सेंध को रोकना चाहती है, जहां हर दल खुद को पूजा पाठ से जोड़ने लगे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी भी बात नहीं, पिछले 4.5 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 बार अयोध्या आ चुके हैं। 3,116 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अयोध्या में काम शुरू हो चुका है। 8,000 करोड़ की योजनाओं का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। 2017 से अब तक 5 बार दिवाली पर विश्वव्यापी पहचान दिलाता दीपोत्सव अयोध्या में हुआ है। आप भी तो राम के शरण में ही है, गद्दी मजबूत तो हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है, और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा। अब जनता की आस्था राम के आश्रय राजनीति में क्या परिणाम देती है, सवाल ये होगा। 90 के दौर में राम सहारे ही बीजेपी 2 से 81 सीट तक दिल्ली के लिए पहुंची, फिर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की सत्ता भी मिली। आगे देखेंगे, सिर्फ राम भरोसे ही यूपी में चुनाव होगा या आगे काम भरोसे भी वोट मांगने का मुद्दा उठेगा। राम मंदिर आंदोलन से ही बीजेपी ने एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपना विस्तार चारों तरफ किया। अब तो राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, तब भी क्या राम का ही भरोसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच है कि हिंदुत्व के मुद्दे की लंबी लकीर चुनाव में होगी, लेकिन जिक्र काम का भी है। यूपी के हर जिला के अब है 22 में योगी जी, 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जब 2022 की तैयारी में लगा हुआ है, योगी समर्थकों को जीत की हैट्रिक लगती दिख रही है।
योगी आदित्यनाथ की वापसी सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी राम और काम दोनों पर ध्यान लगा रही है, राम राज्य की बात कर रही है। राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दलिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है। राम राज्य यानी एक ऐसा सर्वोत्तम और आदर्श शासन जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का भय, दुख और रोग ना हो। राम के नाम को लेकर आगे चल रहे योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले जनता में यही विश्वास जगाना चाहते हैं कि उनकी हर एक योजना राम राज्य से प्रेरित है। राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना है, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना है, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना। 2022 का चुनाव सामने है, 4 महीने बाकी है। विपक्ष की चुनौती पहले से ज्यादा कड़ी है, जिससे निपटने के लिए योगी राम और काम दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा हो या बड़ा, कर्मचारी हो या किसान, छात्र हो या फिर बेरोजगार, योगी आदित्यनाथ हर किसी को खुश करने में जुट गए। इसी सिलसिले में योगी सरकार ने प्रदेश के 1,80,00,000 छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते खरीदने के लिए सीधे खाते में 1,100 रुपए देने का फैसला किया। ये पैसा सभी 1,80,00,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में पहुंचेगा। वहीं इसी महीने के आखिर में युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटने की भी तैयारी है, जिसका वायदा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। 3,000 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकार युवाओं को नई तकनीक और खुद से जोड़ने की ख्वाहिशमंद है। राज्य कर्मचारियों के लिए 30 दिन के बोनस देने की भी घोषणा हो चुकी है। माफियाओं से मुक्त जमीन पर सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने की भी योजना शुरू की जानी है। जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। कुल मिलाकर तोहफों की बारिश हो रही है, जिसे राम नाम की पैकिंग में बहुत सियासी समझबूझ से पेश किया जा रहा है। आज जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो हम भी क्यों लोगों को खाली होने दें? क्यों? प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए कोई घोषणा कर लें, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का यही एक अवसर होगा। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। यह योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने अंत्योदय योजना के कार्ड धारक को मार्च तक फ्री में राशन देने का भी ऐलान किया। राशन में चावल, गेहूं के अलावा दाल, तेल, नमक और चीनी शामिल है। गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी, जिसमें हर यूनिट पर 5 किलो मिलता है, अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा, जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा, इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा। चुनाव से पहले जनता को फ्री राशन देना और वादों की झड़ी लगाना पुराना राजनीतिक औजार है, लेकिन फिर भी ये जीत की गारंटी नहीं। ऐसे में सवाल अब ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम भरोसे और काम भरोसे के बीच किसके राम और किसके काम पर जनता मुहर लगाएगी।
राम का नाम और सरकार के काम के अलावा है सबसे लोकप्रिय चेहरे को आगे करना बीजेपी कभी भूल नहीं सकती। 2014 में बीजेपी की जिम्मेदारी लेकर 2017 और 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा करके दिखाया। अब 2022 में यूपी में पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। ये साफ करने के बाद अमित शाह ने लक्ष्य भी तय कर दिया, 300 पार का लक्ष्य। क्या राम भरोसे काम भरोसे ये लक्ष्य इस बार यूपी में बीजेपी के लिए संभव है? बीसवीं सदी के आखिर में उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बटा, उत्तराखंड और यूपी। 21वीं सदी के पहले 21 साल की लड़ाई में लखनऊ गवाह है। तीन सौ सीट के पार जाने का मादा सिर्फ बीजेपी ही जुटा पाई है। जब 2017 में बीजेपी ने अपने दम पर अकेले 312 सीट हासिल की, ये करिश्मा बीजेपी के लिए करके दिखाने वाले अमित शाह ने 2022 का लक्ष्य भी तय कर दिया। आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत से लोगों को शंका इस दावे पर शायद ना हो, जब संगठन के महारथी कहे जाने वाले अमित शाह टारगेट फिक्स करें, 22 करोड़ के सूबे को सबका कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सम विकास करने का मादा रखती है। सम विकास जब चुनावी मैनेजमेंट के माहिर प्रशांत किशोर कहने लगे कि आएगी तो बीजेपी ही, गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, वेदर दे विन वेदर दे लूज, लाइक इट वाज फॉर फर्स्ट 40 इयर्स फॉर कांग्रेस, बीजेपी इज गोइंग नोवेयर, वंस यू सिक्योर 30% प्लस वोट एट इंडिया लेवल, यू आर नॉट गोइंग अवे इन हरी। फिर क्या महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत जैसे तमाम मुद्दों के बीच भी 300 पार का लक्ष्य बीजेपी हासिल करेगी? हाँ तो कैसे? लखनऊ में अमित शाह के इस बयान में क्या इसका जवाब छिपा है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने ननिहाल में जाता है, माँ परेसने वाली होती है, ऐसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते हैं। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं मोदी जी को 24 में पीएम बनाना है तो 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यही है 24 के चक्कर में 22 की टक्कर। इसे समझने के लिए पूरा पहिया घुमाकर आपको 7 साल पहले चलना होगा। ২০১৩ में प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश अमित शाह आए थे। 2014 में बीजेपी को 71 सीट उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जिता दी। 2017 की विधानसभा चुनाव के दौरान शाह बीजेपी अध्यक्ष रहे, बीजेपी ने 40% वोट हासिल करके 300 पार सीट हासिल की। 2019 के चुनाव के दौरान भी शाह पार्टी की कमान संभाल रहे थे, बीजेपी यूपी में एक बार फिर 49% के पार जाकर वोट हासिल करती है। उत्तर प्रदेश में अब अमित शाह आते हैं तो वो गृह मंत्री का पद देश का संभाल रहे हैं। सीएम पद का चेहरा स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ हैं
या अमित शाह बताती है, तो फिर 24 में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए 22 में पहले योगी सरकार बनाने की बात क्यों अमित शाह कह रहे हैं? पापा जी, मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं। 22 की टक्कर में 2024 का जिक्र लाने का कारण है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। 2014 से ठीक दो साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 15% वोट पाती है, 2009 में 17% मत मिलता है, 2007 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के हिस्से 16% वोट आता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा आने के बाद से देखिए, 2014 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 42.63% वोट लाती है, 2017 में 40% और 2019 में 49% के पार। बीजेपी को लोकसभा में यूपी में 10 सीट से 70 के पार ले जाना और विधानसभा में 40-50 सीट से 300 के पार ले जाना, ये सब कुछ मोदी अमित शाह कर चुके हैं। क्या 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में 300 पार का नारा फिर से देकर पूरा करना संभव होगा? राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर संशय जताते हैं। टीवी तो दिखाई पड़ती है, बीजेपी जीतती हुई मुझे दिखाई पड़ती है, लेकिन 300 पार का नारा मुझे लगता है एक नारा रह जाएगा। पिछले कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला, अपने अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने नारा दिया था 200 पार, जो बीजेपी पार नहीं कर पाई, और हरियाणा के चुनाव की भी जब आप याद करें वहाँ भी एक नारा था 70 पार, वो भी वो पार नहीं कर पाई। तो बीजेपी चुनाव जीतते हुए दिखती है, लेकिन मुझे लगता है नारा 300 पार का सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में अगर मान लें कि अखिलेश यादव इस बार रणनीति बदल कर उतरे हैं, यूपी में इस बार प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस आक्रामक है, यूपी में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी 5 साल के राज पर हो सकती है। इतिहास रहा है कि यूपी में 3 दशक से कोई 5 साल बाद दोबारा नहीं लौटा। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 3,44,03,039 वोट मिले थे। यूपी में बीजेपी के कहते हैं अपने कुल 2.5 करोड़ सदस्य हैं। अब पार्टी राज्य में अपने सदस्यों की संख्या को 4 करोड़ के पार ले जाना चाहती है, ताकि फिर से 300 सीट के पार जा सके। तालियों के साथ में इसीलिए अमित शाह लखनऊ आकर बीजेपी परिवार को बढ़ाने वाला सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। अखिलेश यादव इस पर चुटकी लेते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। चुनावी गणित कहता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट शेयर में अंतर करीब 18% का है। हाल के किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी गिरावट बीजेपी के मतों में कभी नहीं हुई। तो क्या 300 पार का नारा बीजेपी का सत्य बनेगा, या फिर इसके लिए और भी रणनीतियों का चक्कर 22 की टक्कर में दिखेगा? दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आपका फिर से आज तक पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सत्ता की दूरी राम भरोसे काम भरोसे से जुड़े इस शो में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि अगले कुछ दशकों तक अब बीजेपी को सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु से हटाना मुश्किल है। फिर 2024 की चिंता में अभी से क्यों बीजेपी को 2022 में होने वाली है? क्या इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में जीत का स्वाद नहीं मिला? क्या इसलिए भी क्योंकि अगर यूपी में झटका लगा तो आगे गुजरात के चुनाव भी 2022 के अंत में होंगे, और एक बार जीत के रथ के पहिए हिले तो 2024 कठिन हो सकता है। इसीलिए राम का नाम भी और काम का बखान भी। इतना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था, हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना। 25 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी।
और 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन करते हुए पूर्वांचल की जनता से पूछा। किसी को याद पड़ता है, और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। ये प्रधानमंत्री का पिछले 4 महीने में उत्तर प्रदेश का 6ठा दौरा था। इससे पहले प्रधानमंत्री 15 जुलाई को वाराणसी, 22 अगस्त को लखनऊ, 14 सितंबर को अलीगढ़, 5 अक्टूबर को लखनऊ, 20 अक्टूबर को कुशीनगर। लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था, ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ, भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश पर फोकस क्यों है? इसकी वजह सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिन्हें जीतकर बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। तो अमित शाह खुद मानते हैं कि बिना यूपी जीते दिल्ली में बीजेपी का टिकना मुश्किल है। साल 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीट जीतकर तहलका मचा दिया था, फिर 3 साल बाद 403 में से 312 विधानसभा सीट जीतकर 2019 में दोबारा जीत सुनिश्चित कर डाली थी। साल 2019 में अखिलेश मायावती का साथ भी बीजेपी को 62 लोकसभा सीट जीतने से रोक नहीं पाया था। बीजेपी जानती है कि अगर उसने यूपी को दोबारा जीत लिया तो वो 2024 की अपनी आधी लड़ाई जीत लेगी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ने अभी से पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था, मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने, यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतना दो और कारणों से जरूरी है, जिसमें पहली वजह पश्चिम बंगाल में मिली हार है। दीदी को ये कहता देखता हूं, कुल धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कुल दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं,
बंगाल के लोगों के लिए शूल है शूल। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसकी ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गई। इसका असर ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी हरा सकती हैं, जबकि ममता का राजनीतिक रसूख सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। उत्तर प्रदेश को दोबारा जीतकर बीजेपी की योजना इस हार की कड़वाहट को कम करके अपने सबसे बड़े गढ़ को बचाने की है। वहीं बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जीत का फायदा उसे अगले साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, जहां पिछली बार कांग्रेस ने उसे जबरदस्त टक्कर दी थी। इस तरह बीजेपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतकर 2024 के आम चुनाव के लिए अपनी एक मजबूत नींव तैयार कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो क्या 2024 में दिल्ली में उसकी हैट्रिक पक्की हो जाएगी? इस सवाल पर लोकनीति सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, लेकिन कमोबेश ऐसा देखने को हमेशा मिलता रहा है, जिस पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद 2000 लोकसभा के चुनाव में होती है, उस पार्टी के लिए यूपी के चुनाव में अच्छा करना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से ये जरूरी है कि यूपी में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। अगर यूपी का चुनाव बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो मैं ये तो नहीं कहता कि 2024 के जो रास्ते हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लेकिन हाँ उन रास्तों में अड़चने जरूर आएंगी, दुविधा जरूर होगी, एक असमंजस की स्थिति होगी। तो यूपी का चुनाव इस दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि बीजेपी चुनाव में अच्छा करे, चुनाव जीते, जिससे एक तरह से ये बात स्पष्ट हो जाए कि 2024 का चुनाव भी बीजेपी ही जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले दम पर केंद्र में बीजेपी की सरकार के सपने को साकार किया। अब बीजेपी की योजना केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाने की है, और ये काम उत्तर प्रदेश जीते बगैर पूरा नहीं हो सकता। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अयोध्या का राम मंदिर कैराना से हिंदुओं का पलायन, हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, ये सारे मुद्दे वर्षों पुराने हो चुके हैं, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिनका ट्रायल करके बीजेपी सफलता के पैमाने गढ़ चुकी है। क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द दोबारा 2022 की टक्कर को सेट किया जा रहा है? वरना यूपी में अमित शाह को क्यों कहने की जरूरत पड़ती कि 5 साल पहले यूपी की हालत देखकर मेरा खून खौलता था। आपने दोबारा दो तिहाई बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया, देखते देखते आसमान को छूने वाला राम लल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चुक गए। मैं आपको याद कराने आया हूँ, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई बहे लखनऊ की लड़ाई में चुनाव प्रचार का आगाज करते अमित शाह के इस अंदाज से सवाल उठ गया, क्या बीजेपी के लिए बहुसंख्यक वोट में बिखराव से रोकने के लिए ध्रुवीकरण ही सबसे बड़ा जरिया है? अमित शाह का पहला बयान सुनिए। तो प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। 2014 के बाद से बीजेपी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण वाली राजनीति को बहुसंख्यक संतुष्टिकरण तक ला चुकी है। यही वजह है कि मायावती हो, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव,
सभी जब बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े बहुसंख्यक वोट का हिस्सा पाने के लिए ब्राह्मण और अयोध्या की बात करने लगे तो बीजेपी अयोध्या में मुलायम राज की कहानी याद कराने लगी। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक बिजनेस है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिच दरअसल बदली हुई है। मुस्लिम वोटर के मुकाबले बहुसंख्यक वोट में हर बड़े वर्ग का 70% हिस्सा बीजेपी अपनी तरफ खींच लेती है, इसी कारण 300 के पार पहुंचती है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों की बात करें, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं कितने, तकरीबन देश में 13-14% है। और दूसरे अगर समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को भी मिला लें तो 16-17% है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय है, 83-84% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी को अपनाया, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि अब ये पिच बदल गई है। पहले ये पिच स्पिनर की पिच होती थी, स्पिन बॉलर्स को मदद करती थी, अब तो ये पिच बदल गई और आपको फास्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसी के लिए जो दूसरी पार्टियां भी हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते अभी कह चुके हैं कि 2019 का चुनाव चुनौती भरा था लेकिन बड़ी जीत मिली। शायद 2024 की चिंता करते मोदी शाह को 2022 का यूपी चुनौतीपूर्ण लग रहा है, इसीलिए अमित शाह मोर्चा संभालने उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं अपने चिर परिचित अंदाज और रणनीति के साथ। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में अचानक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे बढ़ने लगे हैं। पीएम जब भी यूपी जाते हैं तो दो ही बात करते हैं, यानी विकास की योजनाएं और विरोधियों पर वार। 2017 में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था यूपी में, नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी था। क्या इसीलिए 2022 के साथ 2024 की याद दिलाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी भले ही 4 करोड़ सदस्य के लक्ष्य से आगे बढ़ रही हो लेकिन उसका ट्रम्प कार्ड विकास ही है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पूर्वांचल में बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान को साथ मिलाकर जातीय बिसात बिछाई तो मोदी से लेकर योगी तक ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए विकास का दांव चल दिया। बीजेपी यूपी चुनाव से पहले विकास के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट को महापुरुषों और देवी देवताओं का नाम देकर समाज के हर वर्ग में पैट बढ़ाने में जुट गई है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ हो, भले लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए सारे दांव पेच हो, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि अयोध्या राजनीतिक राजधानी बनी हुई है। तो फिर जिसकी अयोध्या, क्या उसी का लखनऊ? आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज तक।